नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्ट्रेटजी इसमें आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर लूसेंट के पॉलिटी को शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग 3 वीडियो को देख चुके हैं। यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन एवं नागरिकता को देखेंगे। दोस्तों, जब ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव पारित किया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति कर दिया, तो इसके आधार पर दो अधिराज्य की स्थापना की गई। दो अधिराज्य पाकिस्तान और भारत की स्थापना की गई। साथ ही ब्रिटिश संसद द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के 552 देशी रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया गया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 देशी रियासतों के सामने 3 शर्त रखी कि वो संचार, रक्षा और विदेशी मामले हमें दे दें और बाकी पर वो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर दें। दोस्तों, देशी रियासतों के सामने भी 3 विकल्प रखा गया, या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या स्वतंत्र रूप से कार्य करें। दोस्तों, भारत में 549 देशी रियासतें शामिल हो गई। इसके बाद दोस्तों स्वतंत्र रहने के लिए तीन राज्य स्वतंत्र रहने की बात कही, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। दोस्तों, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया और गुजरात के जूनागढ़, जो कि वहां का राजा पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था लेकिन वहां की जनता भारत में सम्मिलित होने चाहती थी, ऐसे में वहां दोस्तों जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के बाद उसे भारत में सम्मिलित कर लिया गया। कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिला लिया गया। इसके बाद दोस्तों संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला भाग में यानी भाग क में वे राज्य थे जहां पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर शासन करता था। भाग ख में वे राज्य थे जहां पर शाही शासन हुआ करता था। भाग ग में दोस्तों वे राज्य आए जहां पर ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त शासन करता था। और भाग ख में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। दोस्तों इन राज्यों में शासन और प्रशासन को चलाने के लिए समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात होने लगी, जिसको देखते हुए दोस्तों जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश किया। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांटे जाने की बात कहे। दोस्तों, एसके धर के रिपोर्ट को दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा दोस्तों इनकी अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए जेपीवी समिति की गठन किया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया के समिति बनाई गई। दोस्तों, इस समिति ने भी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और औपचारिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में बहुत ही साउथ के राज्यों में वहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों, पोट्टी श्री रामालू ने इस आंदोलन का शुरुआत किया और उन्होंने 56 दिनों के भूख हड़ताल होने की बात की, जिसके बाद दोस्तों अक्टूबर 1953 में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद व्यापक स्तर पर दंगे होने लगे, जिसके आधार पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार प्रेशर में आई और प्रेशर में आने के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया। आइए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें दी गई हैं। पहला है कि दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं है, इसकी जाँच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। दोस्तों,
इस आयोग के रिपोर्ट के आधार पर धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए दोस्तों कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर दोस्तों इस समिति ने भी भाषाई आधार पर एक सेकेंड दोस्तों इस समिति ने भाषाई आधार पर दोस्तों इस समिति ने भी एक सेकेंड सॉरी ठीक है दोस्तों मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पटाभी सीतारमैया को एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू पटाभी पटेल एवं सीतारमैया यानी जेपी भी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामालू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। दोस्तों 58 दिन के अमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामालू की मृत्यु हो गई। रामालू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा की गई। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया और यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों कर्नूल थी। अगला पॉइंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम पन्नीकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के में पास किया गया। दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर, कराईकल को भारत को सौंप दिया गया। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र का गठन किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। दोस्तों बराबे संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। दोस्तों अगला पॉइंट है कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन्हें ही संविधान में प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों अगला है क्षेत्रीय परिषद। दोस्तों प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने और केंद्र और राज्य के मध्य मधुरता लाने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्र परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री दोस्तों उपाध्यक्ष होता है जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है पॉइंट दोस्तों कि क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। यानी दोस्तों ये हमारे क्षेत्रीय परिषद जो है ये हमारे मूल संविधान में वर्णित नहीं था। बाद में इसको कानून के द्वारा इसको बनाया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों कि उत्तर अब देख लेते हैं कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद ये जो क्षेत्र परिषद है उन क्षेत्र परिषदों को देख लेते हैं। 5 क्षेत्र परिषदों को पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघराज्य शामिल है। अगला है मध्य क्षेत्र परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ शामिल है। पूर्वी क्षेत्र परिषद में दोस्तों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एवं नागालैंड, अरुणाचल तथा मिजोरम शामिल हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद देख लेते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा गोवा राज्य हैं, दमन दीव एवं दादर तथा नागर हवेली संघ राज्य इसमें पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। दोस्तों पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य शामिल हैं तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब यहाँ देख लेते हैं कि उनका मुख्यालय कहाँ क्षेत्रीय परिषद है, जो कि उनका मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों उत्तरी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है, पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय मुंबई में है, दक्षिण क्षेत्र परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम शामिल है। दोस्तों 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना है, यानी प्रारंभ में ये 7 सिस्टर ही शामिल थे और 1994 में सिक्किम इसमें का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्र परिषद का है, यानी जो क्षेत्र परिषद का कार्य है कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को मधुर बनाना, वहाँ का क्षेत्रीय प्रशासन को चलाना। इसके अलावा इनके दोस्तों थोड़ा सा और कार्यों में विस्तार किया गया। अगला है दोस्तों, अगला चैप्टर है भारतीय नागरिकता। दोस्तों भारतीय नागरिकता हमारे संविधान के भाग दूसरा भाग दो में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वही अमेरिका में दोहरी नागरिकता का होता है, एक राज्य की नागरिकता लेनी होती है और दूसरा देश की नागरिकता लेनी होती है, जबकि भारत में ऐसी सुविधा नहीं है, भारत में केवल एक ही नागरिकता लेनी पड़ती है। अगला पॉइंट है कि भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है दोस्तों जन्म के आधार पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो तो उन्हें जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। अपवाद में है दोस्तों कि राजनयिक के बच्चे, विदेशियों के बच्चे को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, यानी भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय में उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी दोस्तों अगर कोई बाहर जाता है और वहाँ पर उनके अगर बच्चे का जन्म होता है तो अगर दोनों में से कोई एक भारतीय हो तब उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अगला पॉइंट है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। दोस्तों भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला है दोस्तों पंजीकरण द्वारा, अगला है कि पंजीकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोगों को जो है पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है। पहला वो है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा है, अगर वो इसके बाद वो पंजीकरण करते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा है दोस्तों कि वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, ऐसे में जब वो भारत में आ रहे हैं और वो पंजीकरण के माध्यम से अपनी नागरिकता भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों सी है कि वे स्त्रियाँ जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी उनको भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। डी है दोस्तों भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को जो है नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से दिया जाता है। और ई है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रह रहे हो या भारत सरकार के नागरिकों नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
अगला है दोस्तों, पांचवा है कि भूमि विस्तार द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को स्वतः भारत का नागरिक प्राप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इन सब में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद जो है दोस्तों भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया। और इसमें क्या की बात कही गई दोस्तों कि इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन 1955 ईस्वी में निम्नलिखित संशोधन किए गए। पहला संशोधन था दोस्तों कि अब भारत में जन्म लेने वाले उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, उसको क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला है दोस्तों कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होगा। पहले यह सुविधा दोस्तों 6 माह की थी कि आप पहले 6 माह तक भारत में रहिए, इसके बाद पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर लीजिए। लेकिन भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 में इसको बदल दिया गया और अब जो है दोस्तों 5 वर्ष भारत में रहिए, इसके बाद पंजीकरण के माध्यम से आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला क्या है, तीसरा देशीकरण था कि देशीकरण में दोस्तों देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो, तब उसको देशीकरण के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से दोस्तों उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। पहले यह अवधि 5 वर्ष था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू है। अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। दोस्तों भारतीय नागरिकता का अंत 3 तरह से हो सकता है, या तो वो व्यक्ति स्वतः ही नागरिकता को परित्याग कर दे यानी भारत की नागरिकता को छोड़ दे, जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति गया और वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता त्याग करनी पड़ेगी, किसी अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार कर ले, या फिर वो किसी अन्य देश के साथ वो क्या कर ले कि नागरिकता स्वीकार ले कर ले। और तीसरा दोस्तों सरकार द्वारा नागरिकता छीन ले जाए, यानी देश विरोधी कार्य करने पर दोस्तों भारत सरकार जो है आपकी नागरिकता को छीन सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों अब इसको 370 और 31 ए लागू हो जाने के बाद अब ये सारी चीज़ें विशेषाधिकार वहाँ दोस्तों समाप्त हो चुकी है। दोस्तों हम लोग आज यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।